दूसरा जो ट्राइमेस्टर होता है, इस दौरान भी कई महिलाओं के पेट के आकार को देख के कुछ आइडिया। गर्भ में शिशु लड़का होगा या फिर लड़की होगी, ये जानने की उत्सुकता लगातार गर्भवती महिलाओं के मन में शुरुआती दौर से ही बनी रहती है। हालांकि इसका रिजल्ट जो है आपको वो डिलीवरी के बाद ही पता चलता है, लेकिन कुछ ऐसी धारणाएं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी ओल्ड वाइव्स हैं जिनके द्वारा ये बताया जाता है कि गर्भ में शिशु लड़का होगा या लड़की, ये महिला के पेट के आकार को देख के पता लगाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो इस दौरान तक पेट में किसी भी तरीके का उभार नहीं आता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस दौरान जो बच्चा होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में होता है, बिल्कुल छोटा सा लचीला होता है और गर्भाशय का आकार भी इस दौरान नहीं बड़ा होता है। इनफैक्ट इस दौरान क्या होता है कि कई बार तो महिलाओं का 1-2 किलो वेट घट ही जाता है। वो इसलिए क्योंकि गर्भवती महिलाओं को शुरुआती दौर में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कई बार तो महिलाओं को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी वोमिटिंग होती है कि पहले के 3 महीनों में वजन 1-2 किलो बढ़ने की बजाय 1-2 किलो घट जाता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो पेट के आकार को देखिए कुछ आइडिया ही नहीं लगाया जा सकता है। प्रेगनेंसी का जैसे ही 12वां हफ्ता कंप्लीट होता है उसके बाद गर्भवती महिलाओं के पेट में उभार आना शुरू हो जाता है। हालांकि कई बार हो सकता है कि ये जो उभार है वो आपको पेट फूलने की समस्या की वजह से हो रहा हो। ज्यादातर प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते के बाद गर्भवती महिलाओं के पेट में उभार देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं को इस दौरान उभार दिखाई देने लगे। कुछ महिलाओं को क्या होता है कि प्रेगनेंसी का जैसे 5वां या 6वां महीना लगता है तब पेट में उभार दिखाई देने लगता है। कुछ महिलाओं को ये जल्दी दिखता है, कुछ को देर में। महिला की शारीरिक बनावट पे भी ये काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो दूसरा जो ट्राइमेस्टर होता है, इस दौरान भी कई महिलाओं के पेट के आकार को देख के कुछ आइडिया नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही तीसरा ट्राइमेस्टर आता है दोस्तों, तो गर्भवती महिलाओं का पेट अच्छा खासा उभार ले चुका होता है। और इसी दौरान से ही, यानी कि आप ये लगा लीजिए कि 7 से लेके 8वें महीने के अंदर अंदर आपका पेट देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि आपका गर्भस्थ शिशु लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। देखिए दोस्तों, अब इसमें संकेत कैसे होते हैं। अगर दोस्तों आपका जो पेट है वो आपको फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है, यानी कि बिल्कुल गोल आपका पेट हुआ है और आपका पेट जो है वो थोड़ा नीचे की ओर है, यानी कि नाभि से ऊपर ऊपर आपका पेट ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल नीचे की ओर आपका पेट जा रहा है, नीचे की ओर आपको ज्यादा सिमटा हुआ नजर आता है और आपको साइड साइड से देखने में या फिर पीछे से देखने में कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता है कि आप प्रेग्नेंट है, यानी कि आपकी जो कमर की चर्बी है वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ी होती है, यानी कि आप कमर की साइड से दोनों तरफ से मोटी नहीं हुई रहती हैं। तो ऐसे में आपकी बनावट अगर कुछ इस तरीके से आ जाती है, आपका पेट का आकार कुछ इस तरीके से दिखता है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह नीचे की ओर पेट में सिमटा हुआ आपको नजर आ रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि आपके गर्भ में शिशु एक लड़का पल रहा है। और ठीक इसके विपरीत दोस्तों, अगर आपका पेट आपको फैलाव लिए हुए नजर आ रहा है, यानी कि आपका पेट जो है वो बिल्कुल गोल नहीं है और सिमटा हुआ भी नहीं है नीचे की ओर, यानी कि ऊपरी ओर है, नाभि के ऊपर ऊपर ही आपको आपका पेट ज्यादा उभरा हुआ महसूस होता है और आपकी जो कमर है उसकी जो चर्बी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, आपको पीछे से अगर कोई देखे तो भी वो समझ सकता है कि महिला की बनावट कुछ चेंज हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आपको आगे से देखने में आपका पेट फुटबॉल की तरह नहीं लग रहा है, आपका पेट फैलाव लिए हुए है, आपको पीछे से देखने में पता चल जाता है कि आप कुछ डिफरेंट दिख रही हैं, तो ये जो लक्षण होते हैं ये कहा जाता है कि ये गर्भ में शिशु लड़की होने के लक्षण होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेट को देख के, पेट के आकार को देख के आइडिया लगा सकती है। हालांकि दोस्तों इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये 100% सही नहीं है, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये होता है क्योंकि बड़े बुजुर्गों के अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पे ही ये बातें बताई जाती हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। तो आपका पेट प्रेगनेंसी के दौरान किस तरीके का दिख रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और डिलीवरी के बाद आपको क्या हुआ है ये भी मुझसे जरूर शेयर करिएगा। आई होप दोस्तों आपकी जिज्ञासा थोड़ी बहुत जो है वो शांत हुई होगी कि आपके घर में शिशु लड़का है या फिर लड़की है। हालांकि इसके लिए आपको पूरा वेट करना पड़ेगा, 9 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा शांत हुई है तो इसका मतलब है कि वीडियो भी आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।